हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर 777 जीके। आज है 4 अगस्त 2021 और आज के इस वीडियो में हम 4 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं जीके भी आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए आखिर तक, क्योंकि आखिर में मैं आपको 2 सवाल पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर और ध्येय पूर्ति स्पर्धा विश्व ऐप के ऊपर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले देख लेते हैं कल के जो अपना करंट अफेयर्स था उसका रिवीजन कर लेते हैं, सुपर फास्ट रिवीजन। पहला सवाल था देखो कल, भारत का नया महालेखा नियंत्रक मतलब उसे सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कहते हैं, किसे नियुक्त किया गया? तो दीपक दास इनको नियुक्त किया गया भारत का महालेखा नियंत्रक। किसने डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन ई रूपी लॉन्च किया है? तो हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने जो है डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई रूपी लॉन्च किया है, जिसे एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने विकसित किया है। तीसरा सवाल है, हाल ही में किस देश ने ई नायरा नामक अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है? अफ्रीकी देश है नाइजीरिया, नाइजीरिया ने जो है ई नायरा नामक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है और अक्टूबर 2021 में वो उनकी ये करेंसी लॉन्च करने वाले हैं। चौथा सवाल है, आसाम क्रीड़ा संघ ने किस भारतीय ओलंपिक खिलाड़ी को लौह कन्या की उपाधि से सम्मानित करने का निर्णय लिया है? इसका सही आंसर है लवलीना बोरगोहेन। ये जो लवलीना बोरगोहेन है ये आसाम की मुक्केबाज है और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में एक पदक हमारा पक्का किया है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में चांकुलो को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला है, यह कौन से देश में है? तो चांकुलो जो है यह पेरू देश में है। कोविड के खिलाफ 100% टीकाकरण हासिल करने वाला देश का पहला शहर कौन सा बना? तो उसका आंसर है भुवनेश्वर, जो ओडिशा की राजधानी है। इसके बाद में, इन एन आइडियल वर्ल्ड इस उपन्यास के लेखक कौन? तो पश्चिम बंगाल के लेखक है कुणाल बसु। इनका एक नया उपन्यास है जो 2022 के अंदर पब्लिश होने वाला है। हाल ही में 56 साल बाद भारत और बांग्लादेश के बीच किस मार्ग पर मालगाड़ियों का नियमित संचलन फिर से शुरू हुआ? इसका सही आंसर है हल्दीबाड़ी चिल्हाटी। नवा सवाल है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का पहला वाणिज्यिक पुनः प्रयोग प्रोग्राम योग्य उपग्रह लॉन्च किया? इसका सही आंसर है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और लास्ट सवाल था कल का, हंगेरियन ग्रां प्री 2021 प्रतियोगिता हाल में किसी ने जीती है? तो जर्मनी के स्टेबेन ओकान ने यह स्पर्धा जीती है। तो हमने कल का जो है रिवीजन देख लिया। अभी देख, पहला सवाल है, निकोल पाशिन्यान किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? इसका सही आंसर है आर्मेनिया। आर्मेनिया देश के जो है निकोल पाशिन्यान नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। ये देखिए आपके सामने जो है ये है निकोल पाशिन्यान, ये दोबारा से जो है आर्मेनिया के प्रधानमंत्री यहां पर बन गए हैं। आर्मेनिया के राष्ट्रपति जो है उनका नाम है आर्मेन सरकिसियन। ओके, ये राष्ट्रपति है आर्मेनिया के। इन्होंने फिर से आर्मेनिया के प्रधानमंत्री पद के लिए निकोल पाशिन्यान को नियुक्त किया है, क्योंकि जून 2021 में आर्मेनिया के अंदर संसदीय चुनाव हुए थे और संसदीय चुनाव में निकोल पाशिन्यान, इनकी जो पार्टी है सिविल अनुबंध पार्टी नाम की पार्टी, इस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ था, इसलिए जो है राष्ट्रपति ने उनको फिर से प्रधानमंत्री पद का नियुक्ता दिया था। ओके, तो पाशिन्यान पहली बार 2018 में प्रधानमंत्री बने थे आर्मेनिया के। ओके, आर्मेनिया जो है एक स्थलबद्ध देश है। 2020 के अंदर जो है ये फोकस में आया था क्योंकि आर्मेनिया और अजरबैजान में युद्ध हुआ था 2020 के अंदर। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा नगर है एरेवान। इसके राष्ट्रपति है आर्मेन सरकिसियन और प्रधानमंत्री अभी है निकोल पाशिन्यान। और ये आर्मेनिया की जो करेंसी है, करेंसी का नाम है द्राम। क्या नाम है करेंसी का? द्राम, यहां हमें याद रखना है। आगे देखते हैं, ये देखिए आर्मेनिया का मैप देखेंगे हम सबसे पहले वर्ल्ड मैप के अंदर। ये देखिए हमारा प्यारा भारत महान, और यहाँ पे देखेंगे ये इधर देखिए आर्मेनिया, छोटा सा देश है आर्मेनिया। इसको बड़ा करने के बाद इस तरह से दिख रहा है ये। ओके, ये देखिए एशिया के मैप में हम उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये देखिए ये एशिया का मैप है, यहाँ पर ये है हमारा भारत महान। भारत महान के बाजू में इधर है अफगानिस्तान है, इधर पाकिस्तान है, यहाँ पर ईरान है, और ये यहाँ पर तुर्की है, और ये देखिए ये छोटा सा जिसको मैंने अभी सर्कल किया है, ये छोटा सा है आर्मेनिया। अब इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे हम, ये है आपके सामने आर्मेनिया, जिसे अजरबैजान की सीमा लगी हुई है, तुर्की की सीमा लगी हुई है, और ये जो एरेवान नजर आ रही है ये उसकी राजधानी है। दूसरा सवाल है,
गरिमा नामक परियोजना किस राज्य में शुरू की है? इसका सही आंसर है झारखंड। झारखंड के अंदर जो है गरिमा नामक योजना शुरू की गई है। ओके, अभी इसके हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो विद्यार्थियों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तुम्हारे जितने भी एजुकेशनल ग्रुप है सब तरफ जो है इसको शेयर कीजिए। और आज के वीडियो का टारगेट रखेंगे हम 500 लाइक का। ओके, 500 लाइक आने चाहिए। ओके, इस टारगेट के साथ हम काम करेंगे। चलो आगे देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। डायन, जिसे हम चुड़ैल कहते हैं, ओके, तो जो महिलाओं को डायन या चुड़ैल करार दिया गया है उन महिलाओं को गरिमापूर्ण जीवन देने के लिए झारखंड ने जो है गरिमा परियोजना शुरू की है। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई महिला को अंधश्रद्धा में बोलो या कुछ बदला लेने के हिसाब से बोलो, उसे डायन करार दिया जाता है और उसे खत्म कर दिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे मृत्यु हाल ही में हो रहे हैं, इसलिए झारखंड ने जो है यह योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को डायन रूपी पहचान से मुक्त करने का कार्य हो रहा है और उन महिलाओं का पुनर्वसन किया जा रहा है। इस परियोजना का लक्ष्य यह है कि मार्च 2023 तक राज्य में इस प्रथा को खत्म करना है। मतलब डायन या चुड़ैल जो करार दिया जाता है और बाद में उस महिला को खत्म कर दिया जाता है, ओके, तो ये प्रथा खत्म करना है झारखंड से। इस परियोजना के तहत महिलाओं को आर्ट थेरेपी के माध्यम से मनोवैज्ञानिक चिकित्सा भी दी जा रही है। तो हमें याद रखना है गरिमा नामक एक योजना है जो झारखंड में शुरू की गई। देखो ये पोस्टर आपको अच्छे से बता देगा, देखो यहाँ पर एक लड़की है और बाघ उसे डायन कह रहे हैं सब और उसे मार रहे हैं। तो झारखंड के बारे में अगर देखेंगे तो झारखंड का गठन देखो 15 नवंबर 2000 में हुआ था। झारखंड बिहार से अलग होकर नया राज्य बना था। इसकी राजधानी है रांची, इसका उपराजधानी है दुमका, इसका सबसे बड़ा शहर है जमशेदपुर, यहाँ पर जिले है 24। अभी फिलहाल के वर्तमान में राज्यपाल है रमेश बैन, वर्तमान में मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, राज्यसभा के सदस्य है 6, लोकसभा के सदस्य है 14 और विधानसभा के सदस्य है 81 झारखंड के अंदर। ये देखिए हमारा प्यारा भारत महान। इस प्यारा भारत महान में अगर हम देखेंगे तो ये देखिए रेड रंग में जो आपको नजर आ रहा है ये है झारखंड। क्या है? झारखंड। ये हमारा भारत महान और ये है झारखंड। झारखंड को अगर बड़ा किया तो ये आ गया आपके सामने झारखंड, जिसे बिहार, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तर प्रदेश की सीमा लगी हुई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और ओडिशा की सीमा इसे लगी हुई है। और रांची जो सेंट्रल में है, झारखंड के सेंट्रल के अंदर रांची है, यह उसकी राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनएससी चर्चा की अध्यक्षता करने वाले नरेंद्र मोदी कितने भारतीय प्रधानमंत्री बनेंगे? इसका सही आंसर है पहले, क्योंकि इससे पहले कोई भी प्रधानमंत्री ने जो है यूएनएससी चर्चा की अध्यक्षता नहीं की थी। ये है हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये देखिए ये यूएनएससी है और यूएनएससी की चर्चा की अध्यक्षता मोदी साहब करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद मतलब यूएनएससी में एक खुली बहस की वर्चुअली अध्यक्षता करेंगे, मतलब जिसे हम आभासी कहते हैं। इस चर्चा में समुद्री सुरक्षा के मुद्दे पर बहस होगी। कौन से मुद्दे पर? समुद्री सुरक्षा के मुद्दे पर बहस होगी। भारत अगस्त 2021 से इस महीने के लिए जो है यूएनएससी की अध्यक्षता कर रहा है। नरेंद्र मोदी यूएनएससी में खुली बहस की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे और अपना भारत देश 1 जनवरी 2021 से यूएनएससी का गैर स्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल भारत ने शुरू किया हुआ है। देखिए हमारा भारत देश जो है 8वीं मर्तबा जो है यूएनएससी का मेंबर हुआ है। सबसे ज्यादा जो है जापान यूएनएससी का अस्थायी मेंबर हुआ है। जापान 11 बार अस्थायी मेंबर हुआ है। ब्राजील 10 बार हुआ है। अर्जेंटीना 9 बार हुआ है। महान ऐसा अपना भारत देश 8 बार हुआ है। पाकिस्तान, कोलंबिया और इटली 7-7 बार हुए हैं और कनाडा 6 बार हुए हैं। ये देखिए ये यूएनएससी का जो है पूरा यहाँ पर आपको रचना नजर आएंगी यूएनएससी के। देखिए यूएनएससी के अंदर जो है 15 मेंबर होते हैं। 15 मेंबर में 5 जो है तो स्थायी मेंबर है जिसे हम परमानेंट मेंबर कहते हैं। उसमें यूएसए है, उसके अंदर यूके है, उसके अंदर जो है चीन है, रसिया है, फ्रांस है, ये सब 5 मेंबर उसके अंदर है। और नॉन परमानेंट मेंबर जो है हर साल 5 चेंज होते हैं। यहाँ पर नॉन परमानेंट मेंबर 10 होते हैं और हर साल 5 चेंज होते हैं और 2 साल का इनका कार्यकाल होता है।
और ये 10 मेंबर कहां से आते हैं? तो अफ्रीका से 3 आते हैं, आसिया से 2 आते हैं, लैटिन अमेरिका से 2 आते हैं, वेस्टर्न यूरोप एंड अदर से 2 आते हैं और ईस्टर्न यूरोप से 1 आता है। इस तरह से यूएनएससी की रूपरेखा यहां पर रहती है। अगर 2021 के बारे में देखेंगे हम तो 1 जनवरी 2021 से अपना भारत देश जो है यूएनएससी का 8वीं मर्तबा जो है अस्थाई मेंबर हुआ है। तो इसके साथ जो 5 देश हुए थे, मतलब हर साल 5 देश चेंज होते हैं, तो अपना भारत देश, आयरलैंड, केन्या, मेक्सिको और नॉर्वे ये जो है मेंबर हुए थे भारत के साथ। क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 में टेनिस पुरुष एकल का स्वर्ण पदक किसने जीता? और इसका सही आंसर है अलेक्जेंडर ज्वेरियो। अलेक्जेंडर ज्वेरियो जो जर्मनी के हैं, इन्होंने जो है टोक्यो ओलंपिक का टेनिस का पुरुष एकल का स्वर्ण पदक जीता है। ये देखिए आपके सामने जो नजर आ रहे हैं, ये अलेक्जेंडर ज्वेरियो है। ओके, ये पदक मिलने के बाद देखो उनके चेहरे की खुशी यहां पर नजर आ रही है हमें। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरी ने रूस के कारेन खचानो को हराकर टोक्यो ओलंपिक में पुरुष एकल का स्वर्ण पदक जीत लिया है और एकल ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाले वह पहले जर्मन व्यक्ति भी बन गए हैं। ज्वेरियो ने अभी तक एक भी ग्रैंड स्लैम खिताब नहीं जीता है टेनिस का, लेकिन उन्होंने ओलंपिक का स्वर्ण पदक जीत लिया है। वह 2013 में एटीपी फाइनल्स में और उसके साथ ही 4 मास्टर खिताब वह जीत चुके हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 टेनिस पुरुष एकल की अगर हम बात करेंगे तो स्वर्ण जीता है अलेक्जेंडर ज्वेरी जो जर्मनी के हैं, रजत जीता है कारेन खचानो जो रूस के हैं और कांस्य जीता है पाब्लो बुस्टा जो स्पेन के हैं। चलो अगला क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा में, मतलब 100 मीटर दौड़ स्पर्धा, रनिंग जिसे हम कहेंगे, स्वर्ण पदक किसने जीता है? इसके ऊपर जो है उसेन बोल्ट का हमेशा से दबदबा रहा है, लेकिन इस साल उसेन बोल्ट नहीं थे, तो इसका सही आंसर है लेमेंट मार्सेल जेकब्स जो इटली के हैं, इन्होंने यह स्पर्धा जीती है। ये जो आपके सामने नजर आ रहे हैं इन्होंने जीती है, इटली के हैं, ये देखिए जीतने के बाद का उनकी खुशी। ओके, तो इसके बारे में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेंगे। इटली के लेमेंट मार्सेल जेकब्स ने पुरुषों के 100 मीटर दौड़ में टोक्यो ओलंपिक में 2020 में स्वर्ण पदक जीता है। इसके बारे में अगर देखेंगे हम तो पुरुष 100 मीटर की जो दौड़ है उसके अंदर स्वर्ण पदक जीता है लेमेंट मार्सेल जेकब्स, रजत पदक जीता है फ्रेड कर्ली और कांस्य पदक जीता है आंद्रे डे ग्रास ने। ओके, और महिलाओं के बारे में अगर हम देखेंगे तो महिलाओं की 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण, रजत और कांस्य ये तीनों पदक जो है एक ही देश की महिलाओं ने जीता है, जमैका की। जमैका की जो महिला है उन महिलाओं ने जो है जीता है, जैसा स्वर्ण जीता है एलेन थॉम्पसन ने, रजत जीता है शेली यन फ्रेजर ने और कांस्य जीता है शेरिका जैक्सन ने। ये देखिए आपके सामने जो है पुरुष 100 मीटर की जो है उसके अंदर ये जो तीनों है स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक के विजेता। और महिलाओं के बारे में अगर देखेंगे तो ये महिला है थॉम्सन हेरी। ओके, इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता है और ये जमैका की है और ये तीनों है, इन्होंने तीनों ने जो है 3 पदक जीते है, अव्वल, दुव्वल और तीसरा। ओके, ये तीनों पदक इन्होंने जीते है और तीनों ही जमैका के है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पश्चिम घाट में खोजी गई मिनर्वेरिया पेंटाली किस प्राणी की नई प्रजाति है? तो इसका सही आंसर है मेंढक, यह मेंढक की नई प्रजाति है। ये देखिए यह पश्चिम घाट में खोजी गई मेंढक की नई प्रजाति है, यह उस प्रजाति का मेंढक आपको इस तस्वीर में नजर आ रहा है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेंगे। मिनर्वेरिया पेंटाली नाम की नई मेंढक प्रजाति पश्चिम घाट में खोजी गई है और इसका जो नाम है मिनर्वेरिया पेंटाली, ये DU मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति है जिनका जो पादप अनुवांशिकविद है जिनका नाम है दीपक पेंटाल, तो इस दीपक पेंटाल के नाम से इस प्रजाति का नाम रखा गया है। यह मेंढक प्रजाति जो है डेक्रोग्लोसिंडे परिवार से संबंधित है। डेक्रोग्लोसिंडे परिवार जो है अफ्रीका, एशिया, इनके उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में तथा पापुआ न्यू गिनी में पाया जाता है। इन एरिया के अंदर जो है 202 से ज्यादा प्रजातियां इस मेंढक की हमें पाई जाती है, मेंढकों की प्रजातियां पाई जाती है। मेंढक की यह नई प्रजाति पश्चिम घाट जैव विविधता हॉटस्पॉट्स में खोजी गई है। पश्चिम घाट के बारे में जान लेते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, यह 6 भारतीय राज्यों में पश्चिम घाट है। यह यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है और यह जो है इसके जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं
गुजरात से शुरू होकर तमिलनाडु में समाप्त होती है। ये देखिए इस मैप के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा, ये है हमारे भारत देश का मैप। ये देखिए गुजरात का ये जो है यहाँ से शुरू होती है हमारी ये जो पश्चिम घाट है जिसे हम वेस्टर्न घाट्स भी कहते हैं, और यहाँ पर अन्नामलाई हिल्स के पास आके रुक जाती है तमिलनाडु के अंदर। इसे कहा जाता है पश्चिम घाट। ये देखिए पश्चिम घाट के अलग अलग नजारे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये जो है दुनिया के सबसे बड़े 8 हॉटस्पॉट, जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना किस राज्य में शुरू की गई? इसका सही आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर जो है हाल ही में मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू की गई है। ये देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है और उन्होंने यह योजना शुरू की है, पुष्कर सिंह धामी इन्होंने। ओके, यह जो योजना है उत्तराखंड के अंदर कोविड महामारी की वजह से अनाथ हुए 101,062 बच्चों के लिए शुरू की गई है। यह योजना उत्तराखंड में कोविड महामारी की वजह से अनाथ हुए 1,062 बच्चों के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत कुल 1,062 बच्चों को पहले चरण के अंदर 3,000 रुपए की धनराशि DBT मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से कर दी गई है, और दूसरे चरण में जो है अनाथ बच्चों को चिन्हित करने के बाद सरकारी नौकरियों में जो है 5% आरक्षण दिए जाने की घोषणा की है सरकार की तरफ से। ओके, उत्तराखंड सरकार की तरफ से उत्तराखंड में यह योजना शुरू हुई है। तो उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, जो विंटर राजधानी है। देहरादून विंटर राजधानी है, और समर राजधानी है उत्तराखंड की, जिसका नाम है गैरसैन। सबसे बड़ा नगर है देहरादून। राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य और मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी। ओके, ये देखिए आपके सामने जो है हमारा प्यारा भारत महान। इस प्यारा भारत महान के अंदर जो आपको लाल रंग में दिख रहा है यह है उत्तराखंड। कौन सा राज्य है? उत्तराखंड नामक यह राज्य है। इसको बड़ा करते हैं उत्तराखंड को, ये आ गया आपके सामने उत्तराखंड। ओके, इसकी राजधानी, दो राजधानियां हैं देहरादून और गैरसैन। देहरादून विंटर और गैरसैन समर, यह हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र जो हाल ही में आयोजित किया गया, इसमें कितने स्थलों को यूनेस्को की विरासत सूची में जोड़ा गया? कितने कुल कितने स्थल जोड़े गए इस सत्र के अंदर? तो इसका सही आंसर है 34 स्थल इस साल मतलब 2021 में जो है इसके यूनेस्को के विरासत सूची में जोड़े गए हैं। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं हम। सबसे पहले देखिए 44वां सत्र जो हुआ, वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी जिसे WHC कहा जाता है या फिर विश्व धरोहर समिति भी कहा जाता है, इसका जो 44वां सत्र है 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक हुआ। ये कहां पर हुआ? फुझौ में हुआ। फुझौ कहां है? चीन के अंदर है, ये हमें याद रखना है। इसका आयोजन किसने किया? यूनेस्को ने किया। किसके सहयोग से किया? चीन के सहयोग से किया। 44वें सत्र की अध्यक्षता यूनेस्को के शिक्षा के उपमंत्री और चीन के राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष तियान जुए जून ने की। ओके, और इस सत्र के दौरान 34 संपत्तियों को, इसमें से 29 जो है सांस्कृतिक है और 5 प्राकृतिक है, तो इन 34 संपत्तियों को, स्थलों को यूनेस्को की विरासत सूची में अंकित किया गया है। इसके साथ ही अभी वर्तमान में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल स्थलों की कुल संख्या 1,154 हो गई है। और इस सत्र के अंदर, 44वें सत्र के अंदर हमारे प्यारे भारत के 2 स्थलों को विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया है। उसमें 39वां जो था हमारा रामप्पा मंदिर, और 40वां जो था वो था धोलावीरा हड़प्पा शहर। रामप्पा मंदिर तेलंगाना में है और धोलावीरा गुजरात के अंदर है। यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 45वां सत्र, अभी 44वां हुआ, 45वां 19 से 30 जून 2022 तक रूस के कजान में होने वाला है। चलो आगे देखते हैं। ये देखिए वेयर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज इज लोकेटेड, इसका मतलब ये है जो अभी जो ये सत्र हुआ है इसके बाद में कौन से देश में सबसे ज्यादा इसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। तो सबसे पहले नंबर 1 पे आता है इटली। इटली के अंदर 58 हो गए हैं। पहले जो है इटली और चाइना दोनों 1 नंबर पे थे 55-55 के साथ, अभी इटली के जो है 58 हो चुके हैं और चाइना के 56 हैं।
तीसरे नंबर पे जर्मनी है, जर्मनी के 51 है। चौथे नंबर पर स्पेन और फ्रांस है, दोनों के ही 49 है। और उसके बाद में नंबर आता है हमारे भारत देश का, और हमारे भारत देश में 40 है। और हमारे भारत देश के बाद मेक्सिको जहां पर 35 है, उसके बाद में यूके जहां पर 33 है, रूस जहां पर 30 है, और ईरान के अंदर 26 है। यह हमारा भारत का मैप है, और ये भारत के मैप में देखेंगे जितने भी है हमारे 40, उन सब 40 का लोकेशन आपको इस मैप में नजर आएगा। ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ी गई आर्यन घाटी कहां स्थित है? तो यह जो आर्यन घाटी है यह लद्दाख में स्थित है, और हमारा जो पावर ग्रिड है, पावर ग्रिड ने जो है नेशनल ग्रिड जो हमारा है उस ग्रिड से यह घाटी जोड़ ली है। इसका अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लद्दाख की आर्यन घाटी में 40 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन चालू कर दी है, और सक्सेसफुली इन्होंने चालू कर दी है। आर्यन घाटी जो है लद्दाख के कारगिल जिले में है। प्रधानमंत्री के विकास कार्यक्रम के तहत पावर ग्रिड ने लांचुक के से दार्चिक के बीच यह लाइन शुरू की है। इस कनेक्शन से कारगिल जिले की आर्यन घाटी के सभी गांव अब 220 केवी श्रीनगर लेह ट्रांसमिशन लाइनों के माध्यम से नेशनल ग्रिड से जुड़ गए हैं। इसके साथ पावर ग्रिड ने लेह जिले की जो नुब्रा घाटी है, नुब्रा घाटी में 20 गांवों का विद्युतीकरण का काम भी पूरा कर लिया है। इसके साथ ही हम देखेंगे कि नेशनल ग्रिड हाई वोल्टेज बिजली ट्रांसमिशन नेटवर्क है। नेशनल ग्रिड क्या है? तो ये हाई वोल्टेज बिजली ट्रांसमिशन नेटवर्क है जो बिजली स्टेशनों और प्रमुख सब स्टेशनों को जोड़ता है, और नेशनल ग्रिड का स्वामित्व और रख रखाव जो है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास है। ये जो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हमारे सार्वजनिक कंपनी है, मतलब सरकार की कंपनी है। यहाँ ये देखिए पावर ग्रिड जो है लद्दाख के अंदर इन्होंने जो है पूरी तरह से जो है नेशनल ग्रिड का यह काम पूरा कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम जिसे हम CCTNS कहते हैं, इसके तहत भारत में पहला स्थान किस राज्य के पुलिस को हासिल हुआ है? इसका सही आंसर है हरियाणा की पुलिस। हरियाणा की पुलिस को जो है CCTNS के तहत पहला स्थान यहां पर दिया गया है। गुजरात के पुलिस को दूसरा स्थान दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के पुलिस को तीसरा स्थान यहां पर दिया गया है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम। हरियाणा पुलिस ने क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के तहत भारत में पहला स्थान हासिल किया है। हरियाणा पुलिस ने पूरे 100% अंक हासिल किए हैं। दूसरा स्थान गुजरात पुलिस और तीसरा स्थान हिमाचल प्रदेश पुलिस को मिला है। अब ये CCTNS क्या है? तो CCTNS जो है इस प्रणाली को 2009 में कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था। CCTNS यहाँ भारत सरकार की राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना है। इसके तहत एक मिशन मोड परियोजना है। ये योजना के अंतर्गत एक मिशन मोड परियोजना है। इसे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो द्वारा कार्यान्वित किया जाता है जो गृह मंत्रालय का एक हिस्सा है। ये जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो है गृह मंत्रालय का एक हिस्सा है, और इसके द्वारा जो है ये CCTNS को क्या किया जाता है, इसको कार्यान्वित किया जाता है। ई गवर्नेंस के माध्यम से प्रभावी पुलिस व्यवस्था के लिए एक व्यापक और एकीकृत प्रणाली के लिए क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम बनाया गया था। ओके, तो इस तरह से देखिए, हाँ, हरियाणा पुलिस है, हरियाणा पुलिस का लोगो आपके सामने है। इस तरह से हमने आज के लेक्चर में 10 सवाल देखे हैं। अभी हम देखेंगे कल जो आपको सवाल दिया था मैंने, उसका आंसर देख लेते हैं। आंसर ऑफ द डे देखेंगे हम। 2021 में वस्तु एवं सेवा कर जिसे हम GST कहते हैं, तो GST संग्रह कितना हुआ? इसका सही आंसर है 1,16,00,000 रुपए। कितना? 1,16,00,000। इतना ये जो है GST का कलेक्शन हुआ है जुलाई 2021 में। ये जो है यहाँ पे जुलाई करना पड़ेगा आपको, जुलाई 2021 के अंदर। और G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? तो अपने भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का जो नेतृत्व किया है वो किया है मीनाक्षी लेखी ने। ये जो है हमारे भारत देश के केंद्रीय सांस्कृतिक राज्य मंत्री हैं, और ये जो जी किशन रेड्डी हैं हमारे भारत देश के सांस्कृतिक मंत्री हैं। चलो आज के लिए आपके 2 सवाल। K2 शिखर पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने शोहराज
काशिप किस देश के हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और दूसरा सवाल है, विश्व लंग कैंसर दिवस 2021 कब मनाया गया? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, तो अभी हम यहां पर रुकते हैं। आपको मालूमात अच्छी लगी होगी, इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।